आज भी इंडिया में 70% महिलाएं या पुरुष अपनी बढ़ती हुई पेट की चर्बी से परेशान हैं। इंडिया में लगभग 70% लोग अपने मोटापे से परेशान हैं। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो इजीली बढ़ जाएगा, लेकिन उसे कम करना है, कंट्रोल में करना है, तो बहुत मेहनत या बहुत डाइट फॉलो करनी पड़ती है। आपका वेट बढ़ रहा है आपको तब पता चलता है जब आप कोई कपड़े ट्राई करते हैं और आप पे नहीं आते, तब जाके आपको पता चलता है मेरा वेट बढ़ रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव टिप्स जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली वेट कंट्रोल में आएगा और आप अपनी बढ़ती हुई पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। इंडिया में रहते हैं, आपको पता है इंडियन मील के बारे में, हर घर में जो है चावल बनता है और आप उसे खाते हो और चावल से वेट बनता है, चाहे वो छोले भटूरे हो या आलू, हर सब्जी में आलू पड़ता है, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको पता है आलू से वेट बढ़ता है। तो मैं इन चीज़ों को ना खाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको पता ये चीज़ें तो हर घर में बनती है और लोग खाते हैं, तो वेट कंट्रोल कैसे होगा। अगर आप भी चाहते हैं अपना वेट कंट्रोल तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं कोई एक्सरसाइज के बारे में या आपको कोई हार्ड वर्क के बारे में नहीं बता रहा हूँ, 7 इजी इफेक्टिव वेट लॉस टिप्स बता रहा हूँ यहाँ पे, नो डाइटिंग और नो हार्ड वर्क और नो एक्सरसाइज के बारे में। आप अगर सच में अपना वेट कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं 7 ऐसी इफेक्टिव टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट कंट्रोल में आएगा और आप भी स्लिम और फिट दिख सकते हैं। आपको मिनिमम कुछ बातों का ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं वेट कम करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वेट कम करने के लिए। आप जो है पहले प्रॉपर 7 घंटे की स्लीप लीजिए, 7 नंबर टिप से स्टार्ट करते हैं। और जब सोने के बाद आपको क्या करना है, जब उठते हैं तो आपको उबला हुआ पानी पीना है और साथ साथ उसमें एक नींबू का रस और एक चम्मच जो है आपको शहद डालना है, यानी कि हनी डालना है। अगर आपको एसिडिटी है नींबू से तो आप जीरा का पानी पी सकते हैं, जीरे का पानी आप पी सकते हैं और जीरा बाज़ार में मिलता है। अगर नहीं है तो जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं, ये बाज़ार में मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है नींबू पानी से एसिडिटी होती है, लेकिन आप क्या है जीरा का पानी यूज़ कर सकते हैं। और आपको क्या करना, उबला हुआ पानी में नींबू और साथ साथ आपको शहद डालना, अगर हर रोज़ आप इसको फॉलो करते हैं 2 महीने तक डेफिनेटली आपका वेट कम हो पाएगा। अब साथ ही साथ बात करते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं टिप्स नंबर 6 पे, बहुत सारे लोगों को चाय पीने की आदत होती है। मैं यहाँ पे चाय छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है चाय में कितनी ज़्यादा कैलोरीज होती है, इसमें होता है शुगर और आपको पता है जो शुगर होता है उसमें कितनी ज़्यादा कैलोरी हो। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप चाय छोड़ दो, हो सके तो आप चाय की जगह ग्रीन टी लिए या चाय के जो रिपीटेशन है आप कम करिए। अगर ग्रीन टी लेते हैं तो इसमें 0 कैलोरी होती है और साथ ही साथ आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। चाय में क्या है सबसे ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है क्योंकि इसमें शुगर होता है, इंस्टेंट शुगर होता है, जिससे आपको क्या है वेट बढ़ जाता है। आप इसे है जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2 ही रखें, अगर इसकी जगह आप ग्रीन टी लेते तो बहुत ही बढ़िया है आपके हेल्थ के लिए भी, स्किन के लिए भी और आपके वेट कंट्रोल के लिए भी। इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अभी यहाँ पे देखिए टिप्स नंबर 5, इंडिया में बहुत सारी जो मील बनती है, डाइट बनती है, आपको क्या है ये चीज़ों को तो खाना पड़ता है, आपको भूख लगती है तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे चीज़ क्या करते हैं आप बर्गर खा लेते हैं या कुछ, आपको जब सोने के टाइम पे या कुछ चीज़ें आपको भूख लगती है तो आप बिस्किट नमकीन या कुछ चीज़ें खा लेते हैं जिससे इसमें हाई कैलोरीज होती है और आपका वेट बढ़ जाता है। आपको इन चीज़ों को खाने के बजाय मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, फ्लेक्सीड लेना है जिसे बोलते हैं LC के बीज, ये बाज़ार में ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाता है। आप क्या कर सकते हैं इसको, LC के बीज जो होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं वेट कंट्रोल के लिए। आप इसे थोड़ा सा भून लीजिए और जब भी आपको भूख लगे आप बिस्किट और नमकीन की जगह इसे खाइए, तो डेफिनेटली आपका भूख भी मरेगी और आपका वेट भी कंट्रोल में होगा। ये बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन पाया जाता है तो आपके वेट कंट्रोल के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। आप जो है बिस्किट नमकीन या कुछ चीज़ें हैं कुरकुरा है इन सबको छोड़िए, इसकी बजाय वो यूज़ करें तो आपका वेट डेफिनेटली कंट्रोल में आएगा। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4 पे, टिप्स नंबर 4 पे आपको क्या करना है, थोड़ा आपका डाइट में कंट्रोल करना है। डाइट में कंट्रोल में क्या, जब भी आपको भूख लगती है आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं जिसमें हाई कैलोरीज होती है, आपको उसे इग्नोर करके आपको क्या खाना है, ककड़ी, जो आपके हेल्थ के लिए स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप ककड़ी का यूज़ करें या कोई फ्रूट का यूज़ करिए, अगर आपको कोई फ्रूट का यूज़ करते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, कोई भी सीजनल फ्रूट, आप एक केला भी खाओगे आप ऐसा मत सोचिए कि केला से वेट बढ़ेगा, अगर एक केला खाते हो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है ये, इससे आपका वेट भी कंट्रोल होगा और आपकी भूख भी मिटेगी। तो आप हेल्थी चीज़ें और सीजनल फ्रूट खाइए हाई कैलोरीज की जगह, तो आपका वेट जो है डेफिनेटली कंट्रोल में होगा। तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो वेट आपका कंट्रोल होगा। अब टिप्स नंबर 3 पे चलते हैं,
आपको लगातार पानी का सेवन करना है। जब भी आपको भूख लगेगी तो आपको निरंतर रूप में पानी का सेवन करना है। आपको पता है भूख लग रही है, लेकिन आपका पानी का सेवन करते तो आपके स्किन के लिए हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। मानव शरीर जो है लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है। अगर आप पानी पीते हैं तो आपका शरीर जो है हेल्थ जो है काफ़ी अच्छा रहता है। और आपको जब भी भूख लगती है आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कोई बिस्किट खा लेता है या कोई केक खा लेता है या कोई चॉकलेट खा लेता है जिसमें हाई कैलोरीज होती है। आपको इसको इग्नोर करके आपको पानी पीना है उस टाइम पर जब भी आपको भूख लगती है, तो आपका भूख जो है कंट्रोल में। या आप इनके जूस पी सकते हैं, मार्केट में जो है ट्रॉपिकाना का या रियल के जूस मिलते हैं, आप इनके जूस भी पी सकते हैं। इसमें नेचुरल शुगर होता है जिससे आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2, आपको क्या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आप क्या है स्कीपिंग कर सकते हो या थोड़ा सा आप रनिंग कर सकते हो। आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको दिन में लगभग 10 से 15 मिनट निकालना है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप घर पे ही कर सकते हैं, कोई जिम मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इन एक्सरसाइज को घर पे ही कर सकते हैं। जैसे स्क्वाट है, आप इस तरह से होल्ड करेंगे तो आपका डेफिनेटली वेट कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ आपको पता है प्लैंक, ये सबसे अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके पेट की चर्बी को गायब करने के लिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका पेट की जो चर्बी है डेफिनेटली कम होगी, धीरे धीरे कम होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में। नेक्स्ट टिप्स में आप है टिप्स नंबर 1, आपको लगभग 8 घंटे की स्लीप लेनी है। 8 घंटे की पूरी नींद लेनी है, तभी जाके आपका बॉडी का जो फंक्शन है अच्छे से वर्क कर पाएगा। आप 8 घंटे की स्लीप लीजिए। अगर आप स्लीप नहीं लेते हैं तो आपको क्या है आप जागोगे और कुछ ना कुछ खाओगे। अगर आप सोते हैं तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छी स्लीप लोगे तो आपके स्किन के लिए भी अच्छा, हेल्थ के लिए भी अच्छा। अगर आप जागते रहोगे, कुछ ना कुछ आप खाते रहोगे या कुछ भी आपको भूख लगेगी कुछ ना खाते रहोगे, तो जिससे आपका वेट क्या है बढ़ जाएगा। तो आप क्या है 8 घंटे की स्लीप लोगे तो उस टाइम पर आप बिल्कुल कुछ नहीं खाओगे, तो आपका जो वेट है वो कंट्रोल में हो जाएगा। और आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको हेल्थी चीज़ें खाने, जैसे कि कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं जिससे आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेने की जो 10 से 15 मिनट आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद।